मारवाड़ी मीडिया देख रहे हैं प्रदेश की दिन भर की सबसे बड़ी अपडेट पर एक नजर डालते हैं। किसानों के लिए कहीं न कहीं बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। प्रदेश में बिजली बिल से काफी ज्यादा परेशान किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। जिन किसानों का काफी ज्यादा बिल बकाया है उन किसानों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। बिजली विभाग के मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बताया है कि राज्य सरकार ने किसानों के हित में यह फैसला लिया है। रेगुलर और कटे हुए बिजली कनेक्शनों वाले कृषि उपभोक्ता 30 नवंबर 2021 तक की बिजली बिल की बकाया राशि बिना ब्याज और पेनल्टी के दो दो महीने की 6 किस्तों में साल भर में जमा कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें 31 मार्च 2022 तक संबंधित AN ऑफिस में अप्लाई करना होगा। साथ ही में यह भी फैसला लिया गया है कि सामान्य कैटेगरी के ऐसे ग्रामीण कृषि उपभोक्ता जो योजना का फायदा लेकर समय पर किस्तों का पेमेंट कर रहे हैं उन्हें मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना में हर महीने 1000 रुपए की एडिशनल सब्सिडी भी दी जाएगी। इसके साथ ही किसानों को बड़ी अपडेट यह दे दे, मौजूदा समय में एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स के बिजली चोरी केसेज में वैधानिक दायित्व राशि का आंकलन 5 रुपए 55 पैसे यूनिट के हिसाब से किया जाता है। लेकिन अब यह फैसला लिया गया है कि सामान्य एग्रीकल्चर कैटेगरी कंज्यूमर्स के लिए 90 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से ही राशि ली जाएगी। मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बताया है कि सामान उपलब्ध नहीं होने के कारण बिजली कनेक्शन में देरी को देखते हुए एक और अहम फैसला लिया गया है, जिसके तहत बूंद बूंद फव्वारा डिगी योजना के लिए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन देने वाला किसान खुद बिजली कंपनी के अप्रूव्ड और बिजली इंस्पेक्शन की ओर से ऑथराइज्ड लाइसेंसी से काम करवा सकता है। लेकिन फिलहाल बड़ी अपडेट यह है कि सरकार ने बिजली कृषि कनेक्शन में किसानों को बड़ी राहत दी है। बिना ब्याज व पेनल्टी के 6 द्विमासिक किस्तों में किसान अब अपना पैसा है वो बकाया राशि है वो जमा करवा सकता है। इस खबर को और भी आसान भाषा में समझे तो देखिए, कई किसान ऐसे भी है जो लॉकडाउन या किसी और परेशानी की वजह से बिजली का भारी भरकम बिल जमा नहीं करवा पाते और उन पर उसके बाद पेनल्टी वगैरह लग के राशि काफी बड़ी हो जाती है। ऐसे में किसानों के लिए यह समस्या धीरे धीरे काफी बड़ी समस्या होने लगती है। इसी को देखते हुए अब बिजली कनेक्शनों वाले कृषि उपभोक्ता 30 नवंबर 2021 तक की बिजली बिल की बकाया राशि बिना ब्याज और पेनल्टी के दो दो महीने की 6 किस्तों में साल भर में जमा कर सकेंगे। यानी कि सरकार ने ब्याज और पेनल्टी दोनों की छूट दे दी है और इस योजना का फायदा लेकर आप समय पर किस्तों का पेमेंट करते हैं तो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना में हर महीने आपको 1000 रुपए एडिशनल सब्सिडी भी दी जाएगी। और देखिए, इसी बीच किसानों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त का इंतजार कर रहे थे उनके लिए यह खुशखबरी है। अब सरकार ने डेट फिक्स कर दी है कि किसानों के खाते में 2000 रुपए कब आएंगे। इसको लेकर भी हम अगले वीडियो में पूरी डिटेल के साथ आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यही थी देश और प्रदेश की बड़ी अपडेट। वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले। धन्यवाद।